क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नायगांव में सेंटक वर्ल्ड बिल्डर की मनमानी का शिकार हुआ देश का एक पूर्व सैनिक। देश की आर्थिक हालात काफी खराब चल रहे हैं। जहां लोगों का काम धंधा लंबे समय से बंद पड़ा है, वहीं शायद कुछ लोग ही हैं जो सामान्य तौर पर संतुष्ट थे। ऐसे में बिल्डरों ने भी बुरे आर्थिक दौर में कम दरों व आकर्षित योजनाओं के साथ अपने निर्माणाधीन इमारत के फ्लैट बेचने शुरू कर दिए थे। वहीं कुछ लोगों ने इन आकर्षित योजनाओं के भुलावे में आकर शुरुआती दौर में बिल्डर को टोकन मनी के तौर पर कुछ धनराशि भी दी थी, किंतु तब हालात सामान्य थे। पर कोरोना महामारी व लॉकडाउन के चलते सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों पर रोक लग जाने के कारण लोगों की बेबसी और बढ़ने लगी, और उन लोगों ने जिन्होंने बिल्डरों को टोकन मनी दिया था, जब उन्होंने फ्लैट खरीदने में असमर्थता जताते हुए बिल्डर से अपनी दी हुई धनराशि वापस करने का अनुरोध किया तो बिल्डरों ने उन्हें इनकार कर दिया। ऐसा ही कुछ हुआ देश की रक्षा करने वाले पूर्व आर्मी ऑफिसर पांडुरंग विष्णु भगत के साथ, जिन्होंने नायगांव के सुप्रसिद्ध भवन निर्माता सेंटेक्स वर्ल्ड को 1,60,000 टोकन मनी के रूप में दिया था। परंतु लॉकडाउन बढ़ते ही पांडुरंग विष्णु भगत की आर्थिक स्थिति खस्ता होने लगी और उन्होंने सेंटेक्स वर्ल्ड को कहा कि आप मेरा पैसा वापस कर दो, परंतु बिल्डर ने पैसा देने से मना कर दिया। ऐसी जानकारी हमें भाजपा अधिकारी राकेश रेगो ने दी। रेगो जी, पांडुरंग भगत और सेंटेक्स बिल्डर्स का क्या मामला है? पांडुरंग भगत एक्चुअली अपने देश की सेवा कर चुके हैं और वो एक रिटायर आर्मी ऑफिसर है। उन्होंने सेंटेक्स बिल्डर को 1.5 लाख रुपये, मतलब 1,62,000 रुपये दिए थे डाउन पेमेंट के तौर से, और मतलब टोकन के तौर से। तो जब ये लॉकडाउन वगैरह हुआ, आप तो देख ही सकते हो कि आज लोगों की क्या हालत है, खाने पीने की वांदे हो गए ले। तो इन्होंने ऑलरेडी इनको बोला था कि भाई वो चेक बैंक में मत डाल देना करके, मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, उसको ऐसे ही मतलब होल्ड कीजिए करके। लेकिन इन्होंने बोलने के बाद ही ताबड़तोड़ उनका चेक डाल के उनके अकाउंट में से 1,62,000 रुपये निकाल लिए। तो पांडुरंग भगत जी जो है हमारे यहाँ पे आके हमारे कार्यालय पे बीजेपी के, उन्होंने हमको एक पत्र व्यवहार किया कि जब हमने बिल्डर से बात किया तो हमको बोल रहा है तुमको जो करने का कर लो, और उनको ईमेल भी भेज दिया कि हम तुमको पैसा वापस देने वाले नहीं है करके। वहीं पांडुरंग भगत ने बताया कि सेंटेक्स वर्ल्ड बिल्डर ने मेरे साथ ठगी की है, जिसके चलते मैंने भाजपा के राकेश रेगो और जीतू भाई के पास मदद की गुहार लगाई है। मैं मिलिट्री रिटायरमेंट हूँ और मुझे सेंटेक्स बिल्डर ने मेरा पैसा लेकर के उनके सेल्समैन और बिल्डर ने मुझे फंसा दिया, और इसकी वजह से मुझे, मैं जीतू भाई, बीजेपी के जीतू भाई और राकेश रेगो साहब के पास मैं गया हूँ, और वो मुझे अच्छी तरीके से मदद कर रहे हैं। आप ये गगनचुंबी इमारत देख रहे हैं, ये सेंटेक्स वर्ल्ड की निर्माणाधीन इमारतें हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने वाले बिल्डर अब 1,00,000-2,00,000 रुपयों के लिए अपनी बनी बनाई करोड़ों की प्रतिष्ठा को दांव पर क्यों लगा रहे हैं? आखिर वो बिल्डर ऐसा क्यों कर रहा है? क्या क्षेत्र की सत्ताधारी पार्टी बविया का भी उन्हें खौफ नहीं, या फिर बविया के संरक्षण में ही वह बेफिक्री से इस तरह की हरकतें कर रहा है? इस तरह के सवाल जहन में उठने लाजमी है। वहीं शिवसेना कार्यकर्ता माइकल ने भी सेंटेक्स वर्ल्ड की मनमानी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और तो और, माइकल ने सेंटेक्स वर्ल्ड बिल्डर के घटिया काम की वो जानकारी दी जिसमें किसी की जान भी जा सकती थी, जिसमें मनपा के एक अधिकारी का माइकल ने नाम तक लिया। दोस्तों, जो अभी तक सेंटेक्स के साथ जुड़ा है, मैं आपको फेज वन की एक स्टोरी बताता हूँ। जी, ये जो वीडियो है ये मैं महानगर पालिका के VVMC के जो नए कमिश्नर है, मैं उनके लिए एक आई ओपनर है। सर, आपका जो टाउनशिप प्लानिंग है जगताप साहब, जो मुझे लगता है अभी उसका ट्रांसफर हो चुका रहेगा, जगताप साहब इज हैंड एंड ग्लव्स ये बिल्डर के साथ में। ये बिल्डर की पूरी प्लिंथ मतलब पैर होता है, फाउंडेशन, जो फाउंडेशन है ये पूरी प्लिंथ मार्च में सरक गई थी। वो प्लिंथ इतनी सरक गई थी कि रोड गिर गई थी। इसके काफ़ी फोटोज़ है, प्रूफ्स है हमारे पास। जबकि श्री जगन्नाथ तंडेल साहब ने उसी दिन उसी दोपहर को आपके ऑफिस में आकर एक लेटर भी दिया था, बट क्योंकि आपके जगताप साहब इतने क्लोज है इस बिल्डर से, आपको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि उनका क्या लेना देना या क्या है। दैट इज़ योर ड्यूटी टू फाइंड आउट द ट्रुथ। आपके ऑफिस में सेंटेक्स की एक फाइल पड़ी है,
प्लीज गो थ्रू दैट फाइल एंड आस्क व्हाई द नो इंजीनियर्स हैड कम हियर. एक इंजीनियर क्यों नहीं आया जब प्लिंथ सरकती है किसी बिल्डिंग का? इस प्लिंथ का विषय को क्यों हाइड कर दिया था? क्यों रातों रात क्यों उस पर मट्टी डाला गया? सबसे पहले बात तो ये सनटेक बिल्डर को जो जो परमिशन मिला है, मुझे नहीं पता है ये कौन से मिनिस्टर के टच में ये सब सपोर्ट आके आया है और कौन से मिनिस्टर को क्या प्रॉमिस किया है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है. मैं पहले वीडियो में बोला आई एम नॉट गोइंग टू योर पर्सनल प्रॉब्लम्स, बट सनटेक का जो फर्स्ट फेज है, आप खुद एक कॉमन इंसान आप सोचो, जो बिल्डिंग को एक एक दो दो तीन तीन साल लगता है कंस्ट्रक्शन को, यहाँ कंप्लीट पूरी टावर के टावर 9 महीने में खड़ा किया है, तो इसकी मटेरियल की क्वालिटी क्या है, इसका वर्क क्वालिटी क्या है? अभी वो बिल्डिंग खाली है इसीलिए उस पर वेट नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ इसकी पूरी प्लिंथ सरक चुकी है. ये मार्शी लैंड को प्लिंथ सरक के कोई इंजीनियर आया नहीं, कोई इंजीनियर ने यहाँ पर इसकी जांच नहीं की है, इसकी कोई रिपोर्ट टाउनशिप प्लानिंग में दर्ज नहीं किया है, क्योंकि जगताप साहब, मैं नाम ले रहा हूँ, जगताप साहब हैज चीटेड द टाउनशिप प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑन अ बिग कॉस्ट. कल अगर ये बिल्डिंग, गॉड फिबेट, कल अगर ये बिल्डिंग में लोग रहने आए फेज वन के अंदर और ये बिल्डिंग कभी गिरी, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, टिवरी ग्राम पंचायत के लिए मैसेज है कि सर आप लोग के ऊपर इतनी बड़ी संकट आ जाएगी, क्योंकि आप लोग VVMC के हद में नहीं है, ये टिवरी ग्राम पंचायत के हद में है, और जो भी सदस्य इसमें बैठेगा और उधर कोई भी बिल्डिंग की अवगत हो गई तो ये पूरी की पूरी ब्लेम टिवरी ग्राम पंचायत पर पड़ेगी, जो कि इनोसेंट है. टिवरी ग्राम पंचायत को इसकी कायदे से नॉलेज नहीं है कि अगर ये बिल्डिंग पूरी ढरसल गई और इसमें अगर कैजुअल्टीज या मौत हुई या किसी जानमान को नुकसान हुआ, इसकी पूरी ब्लेम VVMC पे जाएगी नहीं, ये पूरी ब्लेम जाएगी टिवरी ग्राम पंचायत. माइकल के इस रवैये से घबराकर सिंटेक्स वर्ल्ड बिल्डर ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर वालियू पुलिस स्टेशन अंतर्गत झूठी सच्ची शिकायत की, जिसमें वालियू पुलिस स्टेशन द्वारा माइकल को 149 का नोटिस देकर बिल्डर के प्रभाव में माइकल समेत सभी पीड़ित पक्षों की आवाज दबाने का प्रयत्न किया गया. हो सकता है कि पांडुरंग भगत की तरह ही और भी कई लोग हों जो सेंटेक्स वर्ल्ड की मनमानी का शिकार हो चुके हैं, और पुलिस तो ऐसे मामलों में गरीब और बेबस पीड़ित पक्ष को अपने पास फटकने भी नहीं देती, और जब ऐसा ही होगा तो पीड़ित पक्ष न्याय की तलाश में किसी न किसी के पास तो गुहार लगाएगा ही. ऐसे ही जब पीड़ित पक्ष न्याय की उम्मीद के लिए भाजपा के कार्यकर्ता के पास गए तो भाजपा के राकेश रेगो ने बताया कि सेंटेक्स वर्ल्ड बिल्डर पर कई जगहों पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है. तो हम लोग ने वालियू पुलिस स्टेशन में उनके नाम का एक पत्र व्यवहार किया है और उनको बताया है कि जो ग्लोबल जो अपने सनटेक के जो मालिक है वो ऑलरेडी एक फ्रॉड है, उनके ऊपर ऑलरेडी दिल्ली नोएडा अंधेरी में 420 का गुना ऑलरेडी उनके ऊपर दाखिल है. तो मतलब ये लोगों के साथ में पहले से ही धोखाधड़ी करते आ रहा है. देखिए तो काफ़ी बड़े आदमी लग रहे हैं, तो उसके बावजूद छोटा सा अमाउंट एक व्यक्ति का वे रोक रहे हैं, आखिर उनकी मंशा क्या हो सकती है? एक्चुअली आज के टाइम पे देखो तो लालच सबसे बुरी चीज़ है. लोग लालच में आके कि मतलब अभी जैसा अभी ये जो आर्मी वाले तो हमारे पास आगे आए, ऐसे कम से कम 100-200 लोग हैं जो शिकार ऑलरेडी हो चुके हैं, और अभी जब से हमने ये न्यूज़ में डाल के फेसबुक पे डाल के जब हमने इसको वायरल किया है तो एक एक करके हमारे पास लोग अभी आ रहे हैं. यहाँ की स्थानीय सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता और नगर सेवक भी यहाँ पे हैं, क्या उन्होंने इस मामले को अपने संज्ञान में नहीं लिया? अभी तक तो पता नहीं है, क्योंकि अभी तक तो कोई उन्होंने लिया बोल के वो मामला हमारे सामने अभी तक आया नहीं है. अगर किसी भी तरह से पांडुरंग भगत को न्याय नहीं मिलता है, आपका अगला कदम क्या होगा? एक्चुअली अगला कदम हमारा ये है कि हम लोग रेरा में उसका फाइल डालेंगे और फिर हम लोग डायरेक्ट लड़ेंगे, मतलब डायरेक्ट कोर्ट से लड़ेंगे हम इसके खिलाफ. अब देखना होगा कि देश की सेवा कर चुके फौजी पांडुरंग विष्णु भगत को इंसाफ दिलाने में हमारा प्रशासन कितना तत्पर दिखता है. नायगांव से क्राइम रिपोर्टर्स TV News की एक रिपोर्ट.